वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करेंगे आज हम एमएस एक्सेस पे एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में कि किस प्रकार से हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, एक तरह से कह लीजिए कि वीकली टेस्ट भी करवाएंगे और हर वीक में जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का अलग अलग रिजल्ट आएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करी जाएगी। तो इस तरह का एक डेटा हमें तैयार करना है एमएस एक्सेस पे, तो कैसे तैयार कर पाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेस ओपन कर लीजिए, आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एक सिनेरियो आपके सामने आएगा। यहाँ पे व्यू पे जाइए, डिज़ाइन व्यू पे जाइए और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आईडी आ रही है तो मैं यहाँ दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यानी स्टूडेंट की आईडी होगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। और एडमिशन डेट यहाँ दे देंगे कब इन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है, तो एडमिशन डेट जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एडमिशन फीस भी दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन फीस जो है नंबर डेटा टाइप होगा। इसके बाद हमको क्या देना है, इसके बाद हमें देना है सेक्शन, ठीक है, सेक्शन। और सेक्शन देने से पहले हम क्लास दे देते हैं, किस क्लास में ये पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे व्यूअर हैं उनको एक 1 to 10 डेटा रखना है, तो यहाँ पे क्लास भी दे देते हैं हम। और इस क्लास में हम 1 to 10 का डेटा स्टोर कराएंगे, 1 to 10 क्लास का जो है सारा पूरा डेटा इसमें स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे क्लास हो गया, ठीक है, अब क्लास के बाद यहाँ सेक्शन कर लेंगे, अगर सेक्शन होता हो तो यहाँ सेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। हम फी का सबमिशन भी इसी में करेंगे, तो एक तरह से फी मैनेजमेंट भी आप इसी में कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं अप्रैल से, ठीक है, मैं यहाँ अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ, आपको जहाँ से शुरू करना हो शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप रखेंगे, फिर यहाँ मई हो जाएगा यानी मई की, फिर जून हो जाएगा, फिर यहाँ जुलाई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आकर के हम जुलाई कर देंगे, फिर अगस्त ए यू जी, ठीक है, अगस्त कर दिया हमने, सितंबर एस ई पी टी कर दिया, ठीक है, अक्टूबर ओ सी टी कर दिया, नवंबर एन ओ भी कर दिया और एट लास्ट दिसंबर कर देंगे। फिर दिसंबर के बाद हम जनवरी और फरवरी और मार्च ये तीनों ले लेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ मैं जनवरी फरवरी और ये मार्च, एम ए आर कर देते हैं। यहां पर एक कॉलम हम बनाएंगे टोटल कलेक्टेड फीस, ठीक है, कितनी फीस कलेक्ट हुई टोटल, तो ये यहां पे आएगा, यानी इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। रेस्ट अमाउंट कर देंगे, यानी रेस्ट अमाउंट का मतलब ये हो गया कि आपने कितनी फीस बची हुई है, ठीक है, देने के बाद कितनी फीस बची हुई है, तो यहाँ रेस्ट अमाउंट आ जाएगा। और रेस्ट अमाउंट के बाद यहाँ कर देंगे टोटल फीस, यानी कुल मिला के कितनी फीस जमा करनी थी वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर रेस्ट अमाउंट कर दिया हमने। तो ये फीस का डिटेल और स्टूडेंट की आईडी वगैरह का डिटेल इसमें मैंने दे दिया है, अब हम इसको यहाँ से करेंगे ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये रिसाइज हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, जैसे समझ सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट की आईडी है M1, ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी है,
ठीक है, यहाँ पे डेट डाल देंगे, कोई भी डेट हो सकती है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2019 ही रहने देता हूँ। और फीस यहाँ पे जो भी लगेगी एडमिशन की, वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए एडमिशन फीस 5,000 लग रही है, 5,000। ठीक है, क्लास है इनका फिफ्थ, ठीक है, सेक्शन है बी। अब अप्रैल में इन्होंने कितनी फीस जमा की, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे सपोज कीजिए पर मंथ की फीस 700 है, 700 आ गई, फिर यहाँ पे 700 आ गई। जहाँ पे फीस नहीं आएगी वहाँ पर आपको ज़ीरो रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ज़ीरो, 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 ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कलेक्टेड फीस निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, आइए चलते हैं क्वेरी डिज़ाइन पर। ठीक है, यहाँ से जाएंगे क्रिएट पे और आ जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पे। और क्वेरी डिज़ाइन में आने के बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड को यहाँ ऐड करा लेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और ये सारे कॉलम्स हम लेते चले जाएंगे। क्लास, सेक्शन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, अब अप्रैल लेंगे तो यहाँ से मार्च तक ही डेटा रखना है। टोटल कलेक्टेड ले लेते हैं, रेस्ट अमाउंट ले लेते हैं और टोटल फीस ले लेते हैं, बस हो गया, इतना ही हमें लेना था। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे टोटल कलेक्टेड फीस है, तो टोटल कलेक्टेड फीस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हमको कोलन लगाना है। कोलन लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए किस किस महीने की फीस सबमिट करनी थी, वो सारी फीस इसमें हम डालेंगे। यहाँ देखिए अप्रैल से शुरू हो रही है, तो जो स्पेलिंग दिया हुआ है एकदम वही लिखते जाइए आप। अप्रैल ब्रैकेट क्लोज प्लस मई ब्रैकेट क्लोज प्लस जून ब्रैकेट क्लोज प्लस जुलाई ब्रैकेट क्लोज प्लस अगस्त, यहाँ पे अगस्त की स्पेलिंग देख लीजिए, AUG लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे, प्लस सितंबर ब्रैकेट क्लोज प्लस अक्टूबर OCT देख लेते हैं एक बार, अक्टूबर की स्पेलिंग, फिर नवंबर NOV, फिर दिसंबर DEC, फिर यहाँ पे जनवरी, ठीक है, यहाँ पे जनवरी की स्पेलिंग JAN लिखा हुआ है तो यही हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी की FEB और मार्च की MAR, MAR ही दिया हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये रेस्ट अमाउंट जो दिया हुआ है, रेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली कर सकते हैं हम, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो बचा हुआ अमाउंट हमको कैलकुलेट करने के लिए, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ ये बात, यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और यहाँ कोलन लगा दीजिए आप, और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और टोटल कलेक्टेड जो दिया हुआ है ना उसको माइनस कर दीजिए टोटल फीस से। तो यहाँ लिखता हूँ टोटल फीस, ठीक है, माइनस टोटल कलेक्टेड। ठीक है, क्या करना है, टोटल कलेक्टेड फीस, इसको बंद करेंगे और फीस की स्पेलिंग में F कैपिटल कर देते हैं हम। ठीक है, टोटल कलेक्टेड फीस हो गया। अब यहाँ पे टोटल फीस जो दिया हुआ है ये मैन्युअली हमें एंटर करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फीस का टोटल हिसाब किताब है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए, रन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे टोटल फीस जो है यहाँ पे आ गई है, देखिए आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल कलेक्टेड फीस अपने आप आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ हम टोटल फीस डालेंगे ना तो रेस्ट अमाउंट भी आ जाएगा। तो अगर फीस एक महीने की 500 है तो 12 महीने की फीस कितनी हुई, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये यहाँ टोटल फीस हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही 6000 फीस डाला हमने तो यहाँ पे रेस्ट अमाउंट भी अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और रेस्ट अमाउंट बचा इतना, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना ईजी है इसको कैलकुलेट करना। इस तरीके से करके आप फीस का अमाउंट निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं इसको फॉर्म व्यू में कर देते हैं। यहाँ से फॉर्म पे जाएंगे, इसको सेव करिए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ फी डिटेल के नाम से, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम बनाएंगे एक कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। आइए देखते हैं वो कॉम्बो बॉक्स हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं, या गए हम डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर हम उसको रखने वाले हैं, थोड़ा और नीचे। यहाँ पे हम उस कॉम्बो बॉक्स को बनाएंगे, तो यहाँ कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं ये वाले, और यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ड्रैग करवाएंगे ये बॉक्स ओपन होगा, फाइंड ए रिकॉर्ड, इसके बेस पे हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। के जगह हम यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, ठीक है। फीस हटा देते हैं, स्टूडेंट आईडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है हमारा कॉम्बो बॉक्स बन करके। अब इस कॉम्बो बॉक्स का फ़ायदा क्या है, आइए देखते हैं इस कॉम्बो बॉक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे, देखिए ये हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, हमने ये रिकॉर्ड जैसे तैसे क्रिएट तो करा लिया है। अब इस कॉम्बो बॉक्स का मतलब क्या बनता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, जैसे ही क्लिक किया तो ये इस तरह का आएगा। थोड़ा हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू में ही जा कर के, और यहाँ से हम बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देते हैं इसका। ये बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया बैकग्राउंड चेंज, यहाँ से इसको कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखेगा। तो अब हमें स्टूडेंट नेम लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम जैसे ही मैंने डाला तो ये राम आ रहा है, और इसके साथ 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 इसकी फ़ीस आ रही है कि कितना इसने सबमिट किया है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो राम का आईडी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कर तो दिया है, लेकिन यहाँ क्रिएट पर जाते हैं या हो डिज़ाइन व्यू पर चलते हैं, डिज़ाइन व्यू। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ देखिए स्प्लिट फॉर्म दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ स्प्लिट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ स्प्लिट फॉर्म कर दिया हमने, तो ये दोनों में दिख रहा है, ठीक है। हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू पे, इसको थोड़ा वापस से हम डिज़ाइन कर लेते हैं फॉर्म को, ठीक है। फी डिटेल ये जो दिया हुआ, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 26 कर लेते हैं, और थोड़ा इसको नीचे खिसका देंगे ताकि ऊपर जो चीज़ें हमें रखनी हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दें। ये हमने कर लिया बड़ा, ठीक है। थोड़ा और इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। तो ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ से पकड़िए और इसको ड्रैग करिए, ये ऊपर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहीं से रिकॉर्ड आप फेच कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, हम स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये है और स्टूडेंट नेम है, तो इन दोनों के बेस पे हम कराना चाहते हैं, तो यही दोनों हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है, इसको हम करते हैं हाइड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया हमने और फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया हमारे पास।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे फॉर्म व्यू में, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म व्यू में आ चुके हैं हम, आप देख सकते हैं कि नीचे हमने एक ही डेटा एंटर किया हुआ है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें स्टूडेंट आईडी दिखेगी, यहाँ से देखिए M1 स्टूडेंट आईडी, अच्छा ठीक है। यहाँ हम स्टूडेंट आईडी M2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं श्याम दूसरे स्टूडेंट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम एडमिशन डेट दे देते हैं, जो भी एडमिशन का डेट रहा हो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको तो यहाँ सिर्फ समझने से मतलब है। यहाँ पर जो फीस है वो 6000 रुपये है, क्योंकि ये 6 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सेक्शन इनका ए है, ठीक है। और यहाँ पे अप्रैल में फीस जो है इनकी 600 रुपये होगी, ठीक है। और बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बाकी हमारा काम हो चुका है। और इसको थोड़ा यहाँ से और भी नीचे ले जाएंगे ताकि हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। देखिए यहाँ नीचे जो है आपको दोनों व्यूज़ दिखाई देंगे, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करूँगा तो देख पाएंगे आप, ये देखिए। तो दोनों व्यूज़ दिखाना आपको ज़रूरी है, तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करूँगा, ठीक है, ताकि मैं दोनों व्यूज़ आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ भी डेटा एक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, फी डिटेल के नाम से, फी वन डिटेल के नाम से सेव हो रहा है, ठीक है। और मई में अगर जमा किया हो तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस पूरे का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक स्पेसिफिक कलर चूज कर लेता हूँ, ये रेड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा, रेड कलर अगर चूज किया हमने तो ये जो है दिखेगा नहीं सही सही, तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा ये और भी ऑड लग रहा है, तो यहाँ से हम रेड कलर की जगह कोई और कलर चूज कर सकते हैं। अब हम अगला रिकॉर्ड एंटर करते हैं, किसमें एंटर करेंगे हम, डेटा ये वाला जो नीचे दिख रहा है ना, डेटा शीट व्यू, इसमें एंटर करेंगे रिकॉर्ड। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ और, ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, देखिए M05, ठीक है। ये जो लड़का है इसका नाम है शिवम, और शिवम जो है कहाँ का रहने वाला है, जहाँ का भी रहने वाला है, इसका जो एडमिशन डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एडमिशन डेट जो भी हो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आप डालिएगा अपने हिसाब से। इनकी फ़ीस जो है एडमिशन फ़ीस 8000 लगी है, ठीक है। और ये क्लास 10th के पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th ए में पढ़ते हैं ये। और यहाँ पर जो है इनकी जो फ़ीस है वो 1200 रुपये जमा हुई है, इसके बाद कोई फ़ीस जमा नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी देखिए इनका पूरा डिटेल हमारे सामने हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ज़ीरो देना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ पे ये रेस्ट अमाउंट वगैरह कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी, ये अपडेशन की बात करते हैं हम। यहाँ देखिए अभी ये आपको अपडेट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं। तो ये हमारे पास ये डिटेल है, लेआउट व्यू में आते हैं, यहाँ पर चल के देखते हैं, ये फॉर्म व्यू में, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अभी तीन ही डिटेल हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं एक और डिटेल डालता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डाल दिया M09, ठीक है, और M09 है दुर्गेश, ठीक है। और इनकी जो एडमिशन डेट है वो यहाँ पे डाल देते हैं हम, यहाँ से कोई भी एडमिशन डेट डाल दीजिए। और यहाँ फीस लगी है 10,000 एडमिशन फीस, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास है उनका वो 12th है, और ये सेक्शन ए के हैं, और फीस है इनकी 1600 रुपये, यानी 1600, ठीक है, ये जमा किया इन्होंने। यहाँ से हम अब इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास डेटा क्या क्या आया, ठीक है। फॉर्म व्यू में चलते हैं, फॉर्म व्यू में जाने पे हमें दिखाई देगा, ये तीन ही डेटा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको सेव करते हैं इस डेटा को, और यहाँ से कट करते हैं, तो ये डेटा सेव हो रहा है हमारा। अब आपको पता ना चल रहा हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही यहाँ जाइएगा किसी भी फॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये सारे रिकॉर्ड पहले से अपडेट हैं। कितनी फ़ीस जमा है, एडमिशन फ़ीस क्या लगी है, वो भी साथ में लगा हुआ आ रहा है, और साथ में नाम भी आ रहा है। तो यहाँ अमित पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो M3 अपने आप रोल नंबर स्टूडेंट ID अपने आप आ गई, फ़ीस की डिटेल आ गई कि कितनी फ़ीस जमा है, ठीक है। देख रहे हैं ये 400 रुपये मात्र फ़ीस जमा हुआ है, तो वो दिखा दे रहा है। इस तरीके से हम ये स्टूडेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं।